तो पायलट ने कहा कि एयरपोर्ट नहीं खाली हुई लाइव 11 हजार, आओ मैं आपको स्टैंड पे ले जाता हूं। फिर थोड़ी देर जाकर कहा कि ये जमजीत है, और जमजीत से फिर वापस जाकर कहते हैं ये चतराल है, और चतराल से फिर वापस यहां आया कहते हैं ये मरी। मैंने जमजीत भी गांव के नाने का जो मकान है वो देखा, चित्राल में गौर की बाधा के नाने का जो मकान है वो भी देखा, और जब मैं आया जहां तो मैंने मोड़ शीत देखा। मुझे इस बात की समझ में आई कि ये क्या है, मेरे मन जैसी शहर है। लेकिन जब वो रिश्ता हुआ तो पता चला कि ये लताना ने मुझे दिखाया कि तुम्हारी दुआ कबूल की गई, क्योंकि गौर की वालदा जो आया थी ये शाह जौहर अमान राजी बादशाह गिलगित की बेटी पोती है, जिसने महाराजा कश्मीर को और डोगरे को और अंग्रेजों को मुतफिक का शिकस्त दी थी, और जिस बंदूक से शिकस्त की थी वो बंदूक उन्होंने गौर को दी, इसके इस्तेमाल में मौजूद है, उसका सोने चांदी का काम किया हुआ है। और ये बादशाह चित्राल डिजाइनर शर्मशाह मुल्क की पोती है, लड़की की लड़की है, और ये अल्लाह ने बताया कि वहां से रिश्ता यहां का रिश्ता फिर से ये तुम्हारा रिश्ता होगा, और ये सही बात होगी। यहां पहुंचे तो फिर मेरे पास एक आदमी आया, उसने आकर कहा कि बादशाह चित्राल की रानी साहब ने ख्वाब देखी है कि तुम अपने ये दो तीन जगह मोड़ सीख लो। तो मुझे भेजा कि मोड़ सीख देखो कौन सी जगह है, क्या है, क्यों जगह है, मणि में, मणि में उनके लड़के शाहजादा मोहिद्दीन जहां सिग्नल में मेजर थे उनके पास हुआ है, फिर वो उसको लेकर यहां। फिर आगे बढ़ जमीन की कहानी है क्या हुआ, बात सिर्फ ये है कि वो दुआ जो हजूर से की जाए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह फरमाता दुआ कभी जाया नहीं, इसलिए मैंने आपको जो अल्लाह की जो नहमत थी उसका जिक्र आपने सामने किया है। अब दुआ करें बताया दुआ के पाप के तहत, अपनी पाक कलाम कुरान मजीद के तहत, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हमको गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी, हमारी तौबा अपने गुनाह में कबूल फरमा, हमारे दिल की तारीखी दूर फरमा कर मेरे माफ़त से हमारे जरूर को मुनवर कर, हमारी मौत हमारी हाथ हमारी जान हमारा माल हर कौन रखे अपनी रजा की खातर, हमें अपनी जान से अपनी गुलामी अपनी जिंदगी और अपनी रजा अता फरमाए। अल्लाह ताला हाजिर में कुछ कहा हमारे गुण पूरी फरमा, अल्लाह ताला किसी को भी यहां से खाली ना दे, अल्लाह ताला जो औलादों को औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला मोहताजों को गनी करे, अल्लाह ताला बीमारों को शफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी और हमारी ये मोहब्बत अपनी रजा की खातर। बहुत से हजार जो सिलसिले नस्मत रसूली से ताल्लुक रखने वाले थे, मर्द और औरतें इस इलाके की और बात वो इंसान पानी से रुखत हो गई, उन सब के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उन जगह को प्रदोष में जगह। हाजी बारदीन साहब मरदान के बहुत बड़ी खिदमत की अवश्य मिल जाए, बहुत बड़ी खिदमत की, एक गरीब मस्कीन आदमी है उसको कई लाखों रुपए की खिदमत की, जो जो आप मेरे ऊंचे गुस्तरखाना देखे ये सब दरवाजे उसने फ्री बनाकर वहां से लाकर यहां लगाए, वो दे सकती मार सकती, लेकिन उस बीमारी में उसने कहा मुझे मोड़ी छिड़ जाए, उसको जाए उसको मोड़ी छिड़ जाए। अब यहां महफल शुरू थी तो आदमी आया क्यों खो दो, मैंने कहा ये उनके देश को मोहब्बत था, वो उनको लाया कि अपने पीर के दरवाजे का नहीं हो उनके भी दरवाजा, बिल्कुल वही बात हुई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह अर्ज हुई कि जनाब हजरत अम्मारा जख्मों से चूर होकर आखिरी सांस ले रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सरहाने पर चले गए और पूछा अम्मारा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने अपना सर नबी पाक सल्लम के कदमों पर रखा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है और रूह कब्ज़ से करवा सकते, यही हालत इस आशिक मशहूर की हुई कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आला जगह अता फरमाए, और उसके अदाब को हमेशा खुदा ताला हम से बात की। खादिमी ने लंगर में दिन रात बहुत खिदमत की, जानी भी और माली भी अपनी ताकत से बढ़कर खिदमत की, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला
ان کی اس بڑی خدمت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا. سب کے لیے کھانا پیارا ہے، سلام کرتے ہیں اور سلام پڑھ دیا.